नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुलिस ने पकड़े 4 एटीएम चोर। बताते चलें कि एचडीएफसी बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पकड़े गए चारों बदमाश एक लंबे समय से गैंग चलाकर बरेली शहर सहित अलग अलग जनपदों में वाहन चोरी सहित कई बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। बरेली एसएसपी ने खुलासा करते हुए पकड़े गए चारों शातिर बदमाश चोरी घटनाओं के साथ साथ अपने उचित शौक पूरा करने के लिए बैंक का एटीएम लूटने की घटना को अंजाम देने बरेली आए थे, लेकिन बरेली पुलिस की चहलकदमी के दौरान बदमाश एटीएम को फाड़ नहीं सके। पुलिस को गाड़ी का सायरन बजते ही फरार हो गए। बदमाशों के पास से एक सेंट्रो कार, 3 अवैध तमंचा बरामद किए गए। पकड़े गए चारों अपराधियों को एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवाड़ की टीम ने कड़ी पूछताछ की शुरुआत की। यही वजह है कि बरेली आज हर बड़ी वारदात पर अपराधियों की गिरफ्तारी की है। ये 5 और 6 सितंबर की रात्रि को थाना प्रेमनगर के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक का एटीएम था, उसको कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया गया और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा। जब वहां पे पहुंचे तो ये सब लोग वहां से भाग गए। पुलिस के द्वारा इसमें घटना का निवारण किया गया। इसमें कुल मिलाकर 5 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है, सेंट्रो गाड़ी भी है और सफारी टाटा सफारी गाड़ी जो इन्होंने पहले कहीं और थाने से चोरी की थी, उसको भी बरामद किया गया है। और एक अभियुक्त उसमें से अभी फरार चल रहा है, उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें तार हो या फिर जो घटना में प्रयुक्त सेंट्रो गाड़ी हो, वो भी इसमें बरामद की गई है। ये घटना पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व में ये 2 बार और प्रयास कर चुके थे, जिसमें कि ये टाटा सफारी गाड़ी 2 अलग अलग थानों से चोरी करके इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की थी। जो गाड़ी की जो खराबी है या पुलिस के लोगों के द्वारा उसमें सूचना दे दी गई थी, जिससे कि वो दोनों टाटा सफारी गाड़ी इनको छोड़नी पड़ी थी। ये 20-22 साल के नए उम्र के लड़के हैं और इसमें एक 32 साल का आदमी है। और घटना का जो मास्टरमाइंड है, वो जो अकेला जो लड़का है, वो गाजियाबाद का रहने वाला है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।